तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 8 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था। जो लिंगडोंग था वो जाग चुका था और वह घोस्ट चैनगुई से उसकी मदद के लिए धन्यवाद बोलता है। वहां पर जो घोस्ट चैनगुई होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, क्या ही भाई लिंगडोंग, क्या धन्यवाद बोले हो, तुमने ही मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर दी। वहां पर लिंगडोंग बोलता, अरे भाई आपकी हेल्प के बिना तो बहुत सारे डाउट सेट को नुकसान हुआ होता। वहां पर घोस्ट चैनगुई कुछ नहीं बोलता और लिंगडोंग को मतलब ऐसे नमस्कार करके फिर से चला जाता है। घोस्ट चैनगुई मन ही मन सोचता है, जब मैं पहली बार लिंगडोंग से मिला था तो मैंने लिंगडोंग को इग्नोर सीखिया समझ लिया था। उस टाइम नहीं, लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा की लेवल 7 पर ही बस थी और उसने सोचा था कि लिंगडोंग क्या ही मतलब अभी लेवल 7 पर है, वह एक भी बंदर से फाइट नहीं कर पाएगा। हाँ ऐसा हो गया, थोड़ा सा पावर है, टैलेंट है। बट जब घोस्ट चैनगुई ने युआन किंग के साथ फाइट किया था और युआन किंग ने आत्मा प्रतीक की पावर का यूज करते हुए घोस्ट चैनगुई को हरा दिया था, तब वहां पर घोस्ट चैनगुई को युआन किंग की पावर पता चली थी और एक आत्मा प्रतीक की पावर भी उसे महसूस हुई थी। वहां पर घोस्ट चैनगुई तो लिंगडोंग नहीं आया होता तो पहले ही मर चुका होता। वहां पर जब लिंगडोंग आया और जब उसने युआन किंग के साथ फाइट किया, वहां पर घोस्ट चैनगुई एकदम दंग हो चुका था। लिंगडोंग ने जब पूरी युआन गेट के डिसाइपल्स को चांस से मारा तब तो बेचारा एकदम हिल चुका था, क्योंकि घोस्ट चैनगुई के पास इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर सके। वो अपने सात जीवन में ऐसा नहीं कर सकता था। वह निर्वाणा के लेवल 9 या मतलब वो जो यहाँ पर घोस्ट चैनगुई है वो भी हाफ ऑफ मिस्टीरियस स्टेज का कल्टिवेटर है, पर फिर भी वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता था। बट लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 8 पर रहते हुए ऐसा काम कर दिखाया था ना, वह बंदा एकदम डर हो चुका था। डरना नहीं गाइस, हिलना, मतलब ये बंदा एकदम घोस्ट चैनगुई एकदम हिल चुका था। वहाँ पर लिंगडोंग कुछ टाइम तक वहाँ पर रुकता है, थोड़ा सा 2-3 दिन और, फिर अपने आप को रिकवर करता, अपनी सारी पावर को रिकवर करता। डाउट सेक्ट वाले भी एकदम रिकवर उकर हो जाते हैं, सबकी कंडीशन बढ़िया हो जाती है। फिर वहाँ पर जो यांग सियाव सियाव होती है वो लिंगडोंग के पास आती है और कहती है, लिंगडोंग अब हमें भी इस टेलीपोर्टेशन सारणी का यूज करते हुए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन सारणी भी अब ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। उसके अगर हम नहीं तो यहाँ पर एग्जिट बंद हो जाएगा, फिर एंट्री चालू हो जाएगा, तो हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, हाँ सीनियर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वहां पर यांग सियाव सियाव लिंगडोंग को बताती है, हमें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है लिंगडोंग, क्योंकि जो तुमने किया नहीं, जो 540 डिसाइपल्स युआन गेट के मारे हैं एकदम खत्म वतम कर दिया है, उससे युआन गेट के एड्रेस काफी ज्यादा गुस्से में होंगे और वो लोग इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, ठीक है सीनियर, हमारे भी जो डाउ सेट के एल्डर्स हैं वो भी हमें मतलब हमारे बचाने उचाने की पूरी कोशिश करेंगे, वैसे हम लोगों ने भी चूड़ियाँ उड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। इधर हमें वांग ज्ञान को दिखाया जाता है। वांग ज्ञान तो काफ़ी ज़्यादा खुश था जब युआन गेट के 540 से 540 डिसाइपल्स मारे जा चुके थे, क्योंकि याद होगा पिछली बार जब नहीं डाउ सेट वाला ये कॉम्पटिशन हुआ, सॉरी गाइस ये जो नहीं सुपर सेक्ट वाला कॉम्पटिशन हुआ था, तो वांग ज्ञान की बहन उस टाइम की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी थी और उसने पूरे डाउ सेट के टीम को लीड किया था और इधर आई हुई थी। तो उस टाइम युआन गेट ने डाउ सेट के लगभग 50 से 60 डिसाइपल्स को एकदम बढ़िया डिसाइपल को मार दिया था, साथ ही साथ वांग ज्ञान की बहन को भी उस टाइम जान से वो लोग मार दिए थे। तो वांग ज्ञान तो इस टाइम मतलब जब पूरा खत्म हो गया था ना तो वो तो खुश था। वहां पर वांग ज्ञान बोलता है, चलिए भाई अब हम चलते हैं। उसके बाद जो डाउ सेट के सभी डिसाइपल साथ ही साथ लिंगडोंग ये लोग टेलीपोर्टेशन साड़ी में एंटर करते हैं और बाहर के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें टेलीपोर्टेशन सारणी की तरफ एक बंदी को घूरते हुए दिखाया जाता है, घूरते हुए गैस देखते हुए दिखाया जाता है। वो बंदी थोड़ी सी दूर थी, दरअसल एक होटल की आप मान सकते छत पर थी, उसकी बगल में ही वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी। वहाँ पर जो छोटी सी लड़की थी उसका नाम गाइस सूरो था, सूरो और लिंक युंगजी। वहाँ पर जो सूरो होती है वह लिंक युंगजी की तरफ देख कर कहती है, सीनियर लिंक युंगजी यहाँ पर जो भाई लिंगडोंग है वो तो टेलीपोर्टेशन
मिस्टर साड़ी से अभी निकले ही नहीं। यहाँ पर 7 दिन हो चुके हैं। वहाँ पर जो लिंग की उनसे होती है वह सुरु को बताते हैं। दरअसल लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसको रिकवर करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया होगा, फिर वह अपने पावर को रिकवर करेगा। वो लोग ऐसे बाहर तो निकलेंगे नहीं ना, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर देखो युआन गेट के एल्डर सोल्डर्स पहले उन लोग का इंतजार कर रहे थे, डाउ सेट के भी एल्डर्स हैं, तो यहाँ पर लड़ाई वड़ाई भी हो सकता है। तो इसके लिए डाउ सेट साथ ही साथ सभी डिसाइपल्स को अपने आप को रिकवर तो करना होगा ना। वहाँ पर जो शुरू होती है वह कहती है, हाँ वैसे लिंगडोंग भाई हैं बड़े कमाल के, उन्होंने ऐसा काम कर दिखाना एकदम हिला उला कर रख दिया। फिर वहाँ पर जो शुरू होती है वह लिंग युंगजी की तरफ देख कर कहती है, सीनियर लिंग युंगजी दरअसल आप पहले से ही लिंगडोंग को जानती क्या, मतलब लिंगडोंग भाई को जानती हैं क्या, और आपके बीच में कोई रिश्ता है क्या। वहाँ पर लिंग युंगजी यह बात सुनकर थोड़ा सा मतलब उथल पुथल हो जाता है। फिर वह सुरु की तरफ प्यार से देखते और कहती है, दरअसल मैं और तुम्हारा लिंगडोंग भाई पहले भी मिल चुके हैं, और जो लिंगडोंग है ना उसने मेरी हीलिंग पॉइंट तक जाने में मदद की थी, और उसी की वजह से मेरी जो सारी इंटरनल इंजरीज है वह हील वील हुई थी, इसलिए मैंने लिंगडोंग की मदद की थी, तुम वैसा कुछ मत समझो। वैसे यहाँ पर सुरु भी एक लड़की, और वो भी अब थोड़ा सा नहीं 15-16 साल की हो चुकी है, तो ऐसा उन लोग को नॉलेज हो सकता है एक लड़की के साथ रहेगी। एक लड़की जब किसी लड़की को पसंद करेगी तो बगल वाली अगर लड़की होगी तो रिएक्शन और नहीं कुछ ऐसा वैसा देखकर पहचान लेती है, हाँ भाई तू ऐसा वैसा करती है। वहाँ पर जो लिंग युंगजी होती है और फिर टेलीपोर्टर की तरफ देखती और करती है, टेलीपोर्टर चालू हो गया, यानी डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स बाहर आए। वहाँ पर जो शुरू होती है वो भी टेलीपोर्टर की तरफ देखती है, और इधर हमें मतलब जो यूनिक डेविल रीजन था ना उसके खंभे जो भी दीवार उवार था छत था उधर बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है। दरअसल बहुत सारे सुपर सेट के बढ़िया लेवल के डिसाइपल और यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी थे, बढ़िया लेवल के एल्डर्स जिन्हें थोड़ा फाइट वेट देखे हैं, ये लोग इसलिए रुके हुए थे ना ताकि ये लोग मामला देख सके कि युआन गेट और डाउ सेट के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है या क्या। दरअसल उन्होंने अपने अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया डिसाइपल ने थोड़ा जो पावर में कम है लेकिन उनके पास प्रतिभा ज़्यादा थी, उन लोग को पहले से इस जगह से भेज दिया था ताकि वो लोग इस फाइट की चपेटे ना पड़े। ये लोग पावरफुल है, यहाँ पर लड़ाई उड़ाई होती है तो ये लोग देख ओख लेंगे बढ़िया से, भागने ओगने के पास भी पावर है, आसपास का झटका वटका भी झेल लेंगे। नॉर्मल डिसाइपल्स के ऐसा केस में नहीं होता ना, वो लोग तो वैसे ही पहले अभी लो लेवल पर हैं, और भी कहीं झटका वटका लग गया, पावर वो लग गया तो और भी ज़्यादा उन लोग के लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्होंने अपने नॉर्मल डिसाइपल को भेज दिया था। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते नहीं, कहीं लड़ाई उड़ाई होती है तो आपके पेरेंट्स छोटे बच्चों को पहले भेज देते हैं और वो लोग लड़ाई देखने के लिए चले जाते हैं, लड़ाई हो रहा है छत पर से, छोटे बच्चों को पहले साइड आउट कर देते हैं, तो ऐसा ही केस यहाँ पर समझिए। वहाँ पर सारे बंदे भी लिंगडोंग की तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं, हाँ भाई लिंगडोंग आखिर कौन है, लिंगडोंग जिसने पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया है। और टेलीपोर्टर इधर इधर खुलता है और लिंगडोंग और डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स टेलीपोर्टर रास्ते बाहर निकलते हैं। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499, यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस ये मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 से 600 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स और लिंगडोंग जैसे टेलीपोर्टर से बाहर निकलते हैं, आसमान में काफ़ी ज़्यादा तेज हमें रोशनी हुई चमकते हुए दिखाई जाती है। दरअसल ये युआन गेट के 10 एल्डर्स होते हैं, 10 एल्डर्स में से इन सभी एल्डर्स को लीड कर रहा होता है एल्डर शिडोंग, जो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्डर होता है। वह डाउ सेट में लिंगडोंग की तरफ देखता है, फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अपने आप को हमारे हवाले कर दो, जो तुमने हमारे डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स को मार कर जो अपराध किया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और जो चलो आज तुम यहीं पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। तभी वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अपराध, तभी अचानक से वहां पर 4 और एल्डर्स की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये 4 एल्डर्स होते हैं डाउ सेट के 4
चारों हॉल के एल्डर्स, चारों हॉल के एल्डर्स गाइस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर युआन गेट के भी एल्डर्स ना स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन चारों हॉल के एल्डर्स डाउ सेट के बहुत ज्यादा भयानक हैं। वहां पर चारों हॉल के एल्डर्स में से जो स्काई हॉल के एल्डर क्यू ले होते हैं, वह उन सभी एल्डर्स की तरफ देख कर कहते हैं, अपराध, शायद तुम रूल भूल चुके हो। इस सुपर शेट कॉम्पिटिशन में 8 सुपर शेट ने मिलकर एक रूल बनाया था कि कोई भी किसी को जान से मार सकता है, तो अपराध कैसे हुआ? वैसे जो तुम्हारे मतलब जो युआन गेट वाले पिछले कुछ सुपर शेट कॉम्पिटिशन में हमारे जो युआन गेट के डिसाइपल्स को मारे हैं, सॉरी गाइस डाउ सेट के जो डिसाइपल्स को मारे हैं, वो क्या कम है? तो इसे अपराध बोलते हो? वहां पर जो एल्डर शिडोंग होते हैं वह क्यूले की तरफ देख कर कहते हैं, ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है, इसमें लिंडों को पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। स्काई हॉल के एल्डर क्यूले बोलते हैं, कौन सी पनिशमेंट है? रूल तो रूल होता है, क्या तुम यहाँ पर 8 सुपर शेट के विरोध में जाना चाहते हो? तुम्हारा युआन गेट इतना ज्यादा पावरफुल है क्या कि वह मतलब टॉप 8 में आते हो? तो क्या तुम्हारा सुपर शेट 8 में से 7 सुपर शेट के विरोध में जा सकता है? मतलब 8 सुपर शेट ने मिलकर यह नियम बनाया था कि ये जो कॉम्पिटिशन होगा इसमें कोई भी किसी को जान से मार सकता है, तो यहाँ पर जो भी हो गया वो सही है, तुम्हारे जो छोटे मोटे डिसाइपल्स मारे गए उनकी गलती है ना, वो टैलेंटेड नहीं थे, घोड़े थे, एकदम ऐसे हो गया वैसे हो गया, 2-3 थप्पड़ पाए होंगे, खत्म हो चुके होंगे। इस बार जो तुम्हारे डिसाइपल थे वो एकदम घटिया थे। यह बात सुनकर एल्डर शिडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो एल्डर क्यूले। वहां पर जो क्यूले होते हैं वह कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ? वहां पर जो एल्डर शिडोंग होता है वह फिर एल्डर क्यूले की तरफ देख कर कहता है, एल्डर क्यूले, हमारे जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर हैं उन्होंने कहा है कि हम लिंगडों को सही सलामत युआन गेट में लेकर आए, वो लोग उसकी पनिशमेंट को तय करेंगे। वहां पर जो एल्डर क्यूले होते हैं वह कहते हैं, तो हमने क्या पर चूड़ियां पहनी है कि तुम लोग ऐसे लिंगडों को ऐसे लेकर जा सकते हो? मैं जानता हूँ तुम लोग क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो। एल्डर क्यूले जानते थे कि अगर लिंगडों को वो लोग युआन गेट में लेकर चले गए तो मैटर काफी ज्यादा नहीं होता, मार उड़ भी डालेंगे, उसके बाद फिर से मैटर को शांत करवा दिया जाएगा, तो ये लोग ऐसे लिंगडों को जाने होने नहीं देंगे ना। वहां पर एल्डर क्यूले बोलते हैं, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन कर रखी हैं, आओ जो भी मामला होगा यहीं पर एकदम लड़ाई उड़ाई से होगा। वहां पर जो तीनों मतलब युआन गेट के जो एल्डर्स होते हैं वह कहते हैं, क्या तुम हमारी युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर के खिलाफ जाना चाहते हो? एल्डर क्यूले बोलते हैं, हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पैट्रियाच वो कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, आ जाओ इधर, हम लिंगडों को सही सलामत डियाउ सेक्ट में वापस लेकर जाएंगे, कोई भी रास्ते वस्ते माना काट पीट पेट कर रख देंगे। तभी वहां पर जो एल्डर शिडोंग होता है वह कहता है, हम तुम्हें लास्ट मौका देते हैं, हम यहाँ पर 2 सुपर शेट के बीच में फाइट नहीं करवाना चाहते, तुम जो कर रहे हो ना उससे 2 सुपर शेट के बीच में फाइट हो जाएगा। वहां पर जो एल्डर क्यूले होता है वह कहता है, फाइट, किस बात पर फाइट? वैसे गलती तुम्हारी है, तुम्हारे सेट के एकदम नुबड़े उबड़े डिसाइपल्स को इस टाइम भेज दिया था, और इस बार हमारे तरफ से कोई भी नियम वम नहीं टूटा है, नियम तुम तोड़े हो। अगर तुम हमारे ऊपर अटैक वटैक करते हो, 2 सुपर सेट बीच में लड़ाई होती है, तो तुम भी जानते हो कितना बड़ा भयानक तबाही होगा, और हमारे तरफ से हम अकेले ही नहीं लड़ेंगे बल्कि 7 और सुपर सेट लड़ेंगे जिन्होंने यह मिलकर नियम बनाया था कि अंदर तुम किसी को भी जान से मार सकते हो। तो जानते हो ना परिणाम तुम्हारे युआन गेट का क्या होगा, जब 7 सुपर सेट मिलकर तुम्हारे सीधे युआन गेट पर हमला करेंगे तो एकदम तबाह वबाह कर रख देंगे। तो वहां पर जो एल्डर शिडोंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है, डाउ सेट के सभी एल्डर्स पर हमला करो युआन गेट के एल्डर्स और लिंगडों को पकड़ो और तुरंत युआन गेट की तरफ इसे लेकर चलो। वहां पर तुरंत युआन गेट के सभी एल्डर्स लिंगडों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डाउ सेट के 4 एल्डर्स नहीं होते हैं वो लोग भी उन सभी एल्डर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो युआन गेट के 6 स्ट्रांगेस्ट एल्डर होते हैं, 4 जो डाउ सेट के एल्डर्स होते हैं स्ट्रांगेस्ट नहीं, चारों हॉल के एल्डर्स, वो 6 एल्डर्स को रोकने लगते हैं। अभी 4 एल्डर्स बचे हुए हैं जो लिंगडों की तरफ बड़े होते हैं। तो गाइस आगे क्या होगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।